हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र एंड आप देख रहे हैं लाइव थ्रू। तो सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और एक एक करके हम सारी चीज़ें चेक करेंगे, कौन सा सेटिंग हमारे लिए हेल्पफुल है एंड किन किन सेटिंग को हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं, लेट्स गो ऑन मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल की स्क्रीन पर ओपन कर लेते हैं अपना यूट्यूब चैनल। जो भी आपका यूट्यूब चैनल है वो आप यहाँ पर जैसे आपका यूट्यूब ओपन करेंगे, राइट। एंड जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल के आइकॉन पर क्लिक करते हैं एंड आपका यूट्यूब चैनल ओपन हो जाता है यहाँ पर। और नीचे साइड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्लस का निशान होता है, प्लस के निशान पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। फर्स्ट, क्रिएट अ शॉर्ट। तो अगर आपका कोई वीडियो शॉर्ट वीडियो भी 15 सेकंड से एक मिनट के अंडर है तो आप शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं, राइट। शॉर्ट वीडियो क्लिक करके वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो लॉन्ग वीडियो है तो यहाँ पर आप अपलोड वीडियो करके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सीधा ये आपका गैलरी पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप अपना वीडियो, जो आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं वो वीडियो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक वीडियो बना के रखा है, आप देख रहे होंगे, तो मैं अपना सेकंड वाला वीडियो ले लेता हूँ। और जैसे ही मैं इस वीडियो को यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट बटन शो हो रहा है, नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही तो हमारे सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो को यहाँ पर जैसे कि टाइटल दे सकते हैं, दिस वीडियो फॉर दिस वीडियो इट, इनसे यहाँ पर हम कोई भी टाइटल मेंशन कर सकते हैं, राइट। और सेकेंडली हम जैसे यहाँ से हम कुछ एडिशनल सेटिंग नहीं क्लिक करेंगे, राइट। और यहाँ पर हम अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे और जैसे हम वीडियो को अपलोड कर देंगे यहाँ से तो हमारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। और फिर हम अपनी कुछ एडिशनल सेटिंग्स करने के लिए, वीडियो की कुछ एडिशनल सेटिंग करने के लिए हम आ जाते हैं अपने YT स्टूडियो, जो YouTube का ही वर्जन है, राइट। तो यहाँ पर हम इसको YT स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। YT स्टूडियो में आप अपना YouTube चैनल लॉगिन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना YouTube चैनल लॉगिन किया हुआ है, जिससे आप देख पा रहे हैं लाइव थ्रू। अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आप क्लिक करके और अपने ईमेल द्वारा अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। एंड सेकेंडली हम जाएंगे कि कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने जो वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है वो हमारा ऊपर आ जाता है तो यहाँ से हम अपने वीडियो पर क्लिक करते हैं इस तरीके से और उस वीडियो का पूरा फुल पेज ओपन हो जाता है। और अगर हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम एडिटिंग के लिए जो आपको पेंसिल का बटन शो होता है, हम पेंसिल के बटन पर क्लिक कर देते हैं और हमारा वीडियो ओपन हो जाता है एडिटिंग के लिए, राइट। तो हम फिर से पेंसिल यहाँ पर हमारा, अगर हम चाहें तो अपने वीडियो का थंबनेल चेंज कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पेन का बटन शो हो रहा है उस पर क्लिक करके हम अपने वीडियो पर थंबनेल चेंज करेंगे, जैसे कि हमने अपनी वीडियो। और फिर यहाँ पर गैलरी के लिए चेंज पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए कुछ थंबनेल ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी थंबनेल बना कर रखा हुआ है, राइट। तो यहाँ से मैं इस थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डन कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा वीडियो का थंबनेल क्रिएट हो गया है। और यहाँ पर जो हमने टाइटल, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हम अपना टाइटल, तो कोई भी टाइटल अगर यहाँ से हम ऐड करना चाहें, कट करना चाहें या अदर कोई टाइटल लेना चाहें, यहाँ से हम अपना टाइटल मेंशन कर सकते हैं, राइट। एंड इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम कुछ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिया हुआ है तो यहाँ पर हम अपने वीडियो से रिलेटेड ही कुछ पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारा वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या हम इसमें कंटेंट कवर कर रहे हैं, क्या हम
व्यूअर को दिखाना चाह रहे हैं सारी चीज़ें हम अपने इस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप चाहें तो कुछ की पॉइंट डाल सकते हैं अपने वीडियो पर नेम एंड कुछ लिंक जो आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो मैंने ऑलरेडी इसमें किया हुआ है एंड मैं आ जाता हूँ बैक। अब बैक आते ही यहाँ पर जो हमारा सेकंड ऑप्शन रहता है विजिबिलिटी शेड्यूल, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि बिफोर आप प्रॉपर सारी सेटिंग्स किए बगैर आप इसको पब्लिश ना करें, अदरवाइज इतना इफेक्टिव रिजल्ट इसका नहीं होता है और जो गूगल एल्गोरिदम है वो इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, राइट। तो इसको हम बाद में सेट करते हैं और बैक आ जाते हैं। इसके बाद हम अपने आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन ऑडियंस। ऑडियंस यहाँ पर हम ऑडियंस अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस एज को या हमारा जो वीडियो है वो किसके लिए, किड्स बच्चों के लिए या इंग्लिश या एडल्ट यंगस्टर के लिए है। तो यहाँ पर हम अपना जैसे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, मतलब या बच्चों के लिए नहीं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और एज रिस्ट्रिक्शन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं यस रिस्ट्रिक्टेड वीडियो टू व्यूअर ओवर 18 नॉट। यहाँ पर तो हम सेकेंडली जो सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बैक आ जाते हैं। अब देखते हैं तो हम यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है टैग मोर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं डाउन साइड, और यहाँ पर हमें कुछ टैग जैसे कि हम अपने वीडियो में कुछ टैग ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने वीडियो में कुछ टैग दे सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ टैग पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहूँ अमेज़ॉन ऑनलाइन सेल, ऑनलाइन अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ और यहाँ पर अगर हम कोमा लगा देते तो ये हमारा की टैग बन जाता है। इस तरह से हम अन्य टैग भी ऐड कर सकते हैं, लाइक तो यहाँ पर इस तरह से मैंने कुछ टैग लिए हुए हैं और बिकॉज ऑफ मैंने पहले से ही इसको ऐड करके रखा था कि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम प्रॉपर तरीके से कम टाइम में उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, राइट। एंड इस तरह से आप टैग ले लीजिए और इसके बाद आता है कैटेगरी। कैटेगरी में आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपका वीडियो है, राइट। जैसे कि आपका अगर कॉमेडी से रिलेटेड तो कॉमेडी, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक, न्यूज़ एंड पॉलिटिशियन, सो जिससे भी रिलेटेड आपका वीडियो है आप वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा वीडियो तो हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं और बैक बटन पर क्लिक करते तो हमारी कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा रहता है कमेंट का। कमेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अपना जो कमेंट है वो दिखाना चाह रहे हैं व्यूअर्स को या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है चेक बॉक्स, सो हाउ मैनी व्यूज़ लाइक दिस वीडियो, मतलब यहाँ पर अगर आप दिखाना चाह रहे हैं कि आपके वीडियो पे कितने व्यूज़ क्लिक्स एंड लाइक आए हुए हैं तो यहाँ पर आप इसको चेकबॉक्स पर क्लिक कर दे तो यहाँ पे शो होने लगता है, राइट। इस तरह से हम जो नॉर्मल सेटिंग्स रहती हैं उनको हम चेक कर लेते हैं एंड एडिट कर लेते हैं और इसके बाद हम आ जाते हैं वापस जैसे ही आ जाते हैं तो अब हमारा जो काम रहता है वो रहता है विजिबिलिटी। अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं और अगर हम चाहें तो इसको अपना एक टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट पब्लिश ना करते हुए एक टाइम स्लॉट लें बिकॉज ऑफ जो YouTube का एल्गोरिदम है उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो अगर आप 5 से 10 मिनट का मिनिमम टाइम शेड्यूल लेके चलें तो वो हमारे लिए बेटर रहता है, राइट। जैसे कि अभी मैं 11:36 पे वीडियो को एडिट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ले लूँगा डेट, मैंने सेलेक्ट कर ली 23 करना पड़ेगा और 11:36 हो रहा है तो मैं इसको चलो 40 पे मैं पब्लिश कर दूंगा। तो मैंने यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लिया और इस तरह से मैंने इसको सेव कर दूंगा, राइट। तो इस तरह से हमारा वीडियो की जो ऑल सेटिंग्स हैं वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और हमारा वीडियो पब्लिश होने के लिए रेडी है।
जैसे ही जो हमने टाइम स्लॉट उसमें ऐड किया हुआ है, जैसा ही वो टाइम आएगा तो उस टाइम पर हमारा जो वीडियो है वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं इजीली एंड शॉर्ट वे में, राइट। और अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहें यहाँ से, तो यहाँ पर जैसे आपका पब्लिश हो जाता है अगर आप वीडियो को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो एनालाइज करने के लिए भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा। एंड तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ पर लाइक्स, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर